Hello students, how are you? Hope you must be in good health. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज का ये वीडियो हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन्स भूल सुधार करना। आपने जो गलतियाँ करी हैं लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त या जर्नल एंट्रीज बनाते वक्त, उनको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना। ये चैप्टर स्टूडेंट्स टोटली जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस है। अगर आपका जर्नल एंट्रीज स्ट्रांग है, आपको अच्छे से जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट मालूम है, तब आपके लिए ये एक क्विज़ की तरह होगा या एक गेम की तरह होगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक्स को और उसको रेक्टिफाई करना है। बहुत आसान लगेगा चैप्टर ये, बहुत आसान। लेकिन हाँ, अगर आपका जर्नल एंट्रीज में थोड़ा हाथ तंग है या उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तब आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा ये होगा ही नहीं आपसे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट थोड़ा सा कच्चा है, अभी कमज़ोर है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब उन स्टूडेंट्स को के लिए मेरा सजेशंस ये रहेगा कि इस वीडियो को अभी के अभी बंद करो और जर्नल एंट्रीज के चैप्टर को पढ़ो। मैंने खुद अपने वीडियोस में 10 10 वीडियोस डाले हैं, 10 लेक्चर्स डाले हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। मेरे अपने वीडियो सीरियल नंबर 17 से 26, दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो सीरियल नंबर 17 to 26 ये जर्नल एंट्रीज और लेजर के ऊपर ही बेस हैं। अगर आप उनको एक दफ़े देख लोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो मैंने हर चैप्टर के शुरू में आपको जर्नल एंट्रीज समझाई है, हर चैप्टर की शुरुआत ही जर्नल एंट्रीज से करी है। तो अगर आपने मेरे चैप्टर्स को देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जर्नल एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आप कह लीजिए फाइनल अकाउंट्स की जो फिगर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस से उठाई जाती हैं। और ट्रायल बैलेंस में फिगर्स कहाँ से आती हैं? ये जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं और लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस रिकनसाइल हो जाता है, या आप कहिए उसका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड रिकनसाइल हो जाती है, मैच कर जाती है, तब हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो एंट्रीज करी हैं जर्नल एंट्रीज में या लेजर अकाउंट्स में, उनकी रिकॉर्डिंग पोस्टिंग वो सही करी है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ आवर लेजर अकाउंट्स। हाँ, इन केस अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है, अगर उसमें डेबिट या क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तब इसका मतलब ये है कि हमने लेजर अकाउंट्स में कुछ गलती करी है, उसको हमें ढूंढना है, रेक्टिफाई करना है और फिर ट्रायल बैलेंस को मैच करना है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करती है तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी होता है हमको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम डायरेक्ट उस अकाउंट तक पहुँचते हैं, उस हेड तक पहुँचते हैं कि जहाँ से मैच नहीं कर रहा है, और उस अकाउंट में जाके देख लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है। कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारी टैली हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हमको ये नहीं मान लेना चाहिए, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि हमारी सारी एंट्रीज करेक्ट हैं। ट्रायल बैलेंस को मैच होने के बाद भी हमारी एंट्रीज में गलतियाँ निकल सकती हैं, बहुत सारी एरर्स निकल सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं करता। उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने में, स्पॉट करने में, ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। अब क्या होता है, हमारा अकाउंटेंट है, अब अकाउंटेंट भी तो ह्यूमन बींग ही है ना, इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। उसने गलती से 50 रुपये का वाउचर को 500 रुपये ट्रीट किया और 500 रुपये के हिसाब से सारी एंट्रीज कर दी, या 500 रुपये के वाउचर को 5,000 ट्रीट करके सारी एंट्रीज कर दी। तो इस तरह की गलती तो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सारे अकाउंट्स में आप 5,000-5,000 डाल रहे हो 500 रुपये की जगह। या उसने राम किशन की जगह राम किशोर को डेबिट कर दिया, तो नाम का भी गलती हो सकती है ना, अकाउंटेंट है, उसमें मिस्टेक हो गई, ह्यूमन एरर है ये, कोई बात नहीं, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हैं। ये सारी मिस्टेक्स कौन सी हैं? अनइंटेंशनल। राम किशन की जगह राम किशोर को हो गई, 500 रुपये की जगह 5,000 हो गई, या 5,000 की जगह 500 रुपये हो गई, कुछ भी मिस्टेक्स हैं तो वो ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं करेगी। इसके अलावा कुछ और भी मिस्टेक्स होती हैं जो अकाउंटेंट से हो जाती हैं, जैसे कि वो कुछ एंट्री करना ही भूल गया, इसको बोलते हैं ओमिशंस ऑफ एरर। मतलब उसने ना तो उसकी जर्नल एंट्री करी, अब जर्नल एंट्री नहीं करी तो लेजर में भी नहीं पोस्ट होगा, तो टोटली वो
वो एंट्री रह ही गई, ऑमिट हो गई, तो ट्रायल बैलेंस में तो आएगा ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एरर, किस किस तरह की एरर्स हो सकती हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है या नहीं भी आता है। इन सब टाइप्स ऑफ एरर को समझने के लिए हम कंप्यूटर पे चलते हैं, डिटेल में अच्छे से समझेंगे, और मैं साथ साथ आपको समझाता भी रहूँगा, और आपके नोट्स पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर को थ्रू कंप्यूटर। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स को, जिसको क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स भी कहा जाता है। ये एरर्स स्टूडेंट्स आपके नोट्स पर्पस के लिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, मैंने इनको बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और एक या दो नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से समझना। बेसिकली एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड अनदर इज़ क्लरिकल एरर। अब हम इन दोनों एरर्स को अच्छे से समझते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कंट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज़ नोन एज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंट्रावेंशन मतलब अगेंस्ट द लॉ, जब कोई ट्रांजैक्शन अगेंस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रिकॉर्ड की जाती है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, डैट एरर इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर्स अकर व्हेन नो डिफरेंस इज मेड बिटवीन रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स वाइल रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस ना करके एक कोई कोई ट्रांजेक्शन्स को अगर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो इस तरह की एरर हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑन परचेज ऑफ एन एसेट्स लाइक फर्नीचर, अब फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका जो हम यूज़ करेंगे फॉर एक साल के लिए नहीं होगा, ये आने वाले सालों के लिए होगा, 2 साल 4 साल के लिए हो सकता है। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड इंस्टीड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, अगर हमने फर्नीचर ख़रीदा है उसमें अगर हम ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट ना करके, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हमने फर्नीचर जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर लिया है। अब हम ये देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल का अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस होता है कि नहीं होता। इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होता, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो काम है स्टूडेंट्स, डेट इज़ टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का ये काम नहीं है कि वो ये भी चेक करे कि प्रिंसिपली जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स एंटर हुई हैं कि नहीं हुई, ये एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस का काम नहीं है चेक करना। तो इस तरह की एरर से ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। इस तरह के और भी प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक जैसे प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है, जिसका जिसमें ये कहा जाता है कि डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। मीन्स कि जिसमें कहा जाता है कि अगर आप एक दफ़े को प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड ना करो, उसको एंटिसिपेट ना करो, बट कुछ भी अगर आपको लॉसेस या एक्सपेंसेस आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो उनको ज़रूर आप प्रोवाइड करो, तो अगर वो भी हमने फॉरगेट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह और भी प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में पढ़े होंगे, मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ड्यूल कंसेप्ट प्रिंसिपल्स होता है, अगर इन सब प्रिंसिपल्स को हम इग्नोर कर देंगे या उनको नहीं फॉलो करेंगे तो ट्रायल बैलेंस पे इसका असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। चलिए अब हम और आगे चलते हैं सेकंड एरर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर्स स्टूडेंट्स एक अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, जो अकाउंटेंट से या जो भी अकाउंटिंग वर्क कर रहा है उससे हो जाती हैं, जानबूझ के नहीं होती, अनइंटेंशनल हो जाती हैं। दीज एरर अराइज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स कमिटेड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क।
वो डेली कर रहा है उसका अकाउंटिंग वर्क्स में, उसमें उसके एरर हो जाती है। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स की होती हैं एरर ऑफ ओमिशन। स्टूडेंट्स, ओमिशंस का मतलब भूल जाना, जिसको हम कह सकते हैं लेफ्ट आउट या लीविंग आउट समथिंग, कुछ भी हम छोड़ गए, भूल गए, नेग्लेक्टेड हो गया। इफ़ ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट विल बी ए केस ऑफ कम्प्लीट ओमिशंस। स्टूडेंट्स, एरर ऑफ ओमिशंस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है कम्प्लीट ओमिशंस और एक होती है पार्शल ओमिशंस। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स पूरी तरह से ओमिट हो गई फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल ही उसे छोड़ ही दिया गया, उसे नेग्लेक्ट ही कर दिया गया, दैट विल बी कॉल्ड ए केस ऑफ कम्प्लीट ओमिशंस। एग्जाम्पल है नॉट रिकॉर्डिंग ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन परचेज बुक। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, क्रेडिट परचेज किया है ऑफ गुड्स को, खरीदा है, उधार खरीदा है, उसको हमने परचेज बुक में एंट्री ही नहीं किया, बिल्कुल ही लेफ्ट आउट हो गया, इग्नोर हो गया। या कोई भी ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ एनी एंट्री इन टू द लेजर, कोई भी एंट्री जो है लेजर में पोस्ट ही नहीं हुई, तो वो बोलते हैं कंप्लीट ओमिशंस। अब देखते हैं पार्शल ओमिशंस किसे बोलते हैं। हाउएवर इफ ए ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटली बट रिकॉर्डेड पार्शली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट विल बी ए केस ऑफ पार्शल ओमिशंस। वो कहता है अगर कोई ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड तो हुई है लेकिन कंप्लीटली रिकॉर्ड ना होके आधी रिकॉर्ड हो गई है, तो दैट विल बी ए केस ऑफ पार्शल ओमिशंस। इसका एग्जांपल देखिए, इफ़ ए क्रेडिट सेल्स हाउएवर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन द पार्टीज बुक अकाउंट। अगर हमने कोई सेल करी है, उधार बेचा है हमने किसी को, तो हमने उसको सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जिसको हमने बेचा है पार्टी के अकाउंट में, हमने उसको एंट्री ही नहीं करी, तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, क्योंकि आपने एक जगह पार्शल ओमिशंस है, एक जगह तो आपने एंट्री कर ली है सेल्स बुक में और दूसरी जगह एंट्री नहीं करी है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या था, कंप्लीट ओमिशंस में हमने बिल्कुल भूल ही गए हैं, तो यहाँ पे अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस क्या होगा, कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, क्योंकि उसको इग्नोर ही कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, लेफ्ट आउट हो गई वो वाली एरर हमसे, तो वो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगी। इस केस में आधी एंट्री कर दी है, आधी नहीं करी है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। चलिए और देखते हैं क्लरिकल एरर का सेकंड पार्ट क्या है, एरर ऑफ कमीशन। इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, अगर कोई अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में चला गया और इट इज़ रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, या गलत साइड पे चला गया, डेबिट की जगह क्रेडिट चला गया, क्रेडिट की जगह डेबिट में चला गया, और द टोटल्स आर रॉन्ग, या उनके टोटल हमने गलत कर दिए, और ए रॉन्ग बैलेंस इज स्टक, या हमने जब बैलेंसिंग करी तो उसको हमने गलत बैलेंसिंग कर दी। बैलेंसिंग मतलब जब हमने डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जब हम डेबिट बैलेंसिंग निकालते हैं तो रॉन्ग कर दिया, इट विल बी ए केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन। अब इसके एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स, एरर्स ऑफ कमीशंस में कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाती है, और कुछ एरर्स इस तरह की भी हो सकती हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगी। तो अब हम एग्जांपल्स देते हैं, देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स अब वो है जिसमें ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगी, मतलब रिकनसाइल हो जाएगी। राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, आपने गलत अमाउंट सब्सिडरी बुक्स में लिख दिया है, आपने 500 की जगह 5000 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगी ना, दोनों साइड उसके आपने गलत अमाउंट को पोस्ट कर दिया। अब ये जो चार केसेस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती रह जाएगी जिसे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी, और अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करती है तो उस तरह की एरर्स को फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, आपने गलत अमाउंट लेजर में बुक कर दिया, तो एक तरफ सही कर दिया, एक तरफ गलत कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट में कर दिया, दोनों ही एंट्रीज डेबिट में कर दिया, दोनों ही एंट्रीज क्रेडिट में कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, आपने डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया या क्रेडिट में से डेबिट को बैलेंस निकाला तो वो गलत निकाल दिया, इस केस में भी ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री।
नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स, ये भी क्लेरिकल एरर का ही एक पार्ट है। इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलीफाइड बाय अनदर एरर ऑफ इक्वल अमाउंट सच एन एरर इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। अगर एक एरर दूसरी एरर के साथ जो कि सेम अमाउंट है उसके साथ नलीफाइड हो जाती है तो उस एरर को कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और टू लोकेट और स्पॉट सच काइंड ऑफ एरर। इन एरर्स को ढूंढना या आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ये ऑफसेट हो जाती हैं। नलीफाइड मतलब ऑफसेट हो गई, किसी और एरर के साथ कंपनसेट हो गई हैं। इनको आइडेंटिफाई करना इसलिए मुश्किल होता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये सेम अमाउंट की एरर हो जाती हैं या सेम नेम से भी हो सकती हैं या सेम पीरियड से भी हो सकती हैं और इसका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए इसको ढूंढना या स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड विद ₹100 इंस्टीड ऑफ ₹1000 व्हाइल राम्स अकाउंट वाज डेबिटेड विद ₹1000 इंस्टीड ऑफ ₹100। अब देखिए अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, श्याम के अकाउंट को ₹1000 से डेबिट करना था, कर दिया कितने से, ₹100 से, और राम के अकाउंट को ₹1000 से डेबिट कर दिया है जबकि करना कितने था, ₹100 से। दस श्याम अकाउंट विच वॉज डेबिटेड बाई ₹900 लेस वॉज कंपनसेटेड बाई अनदर एरर इन राम्स अकाउंट हुज अकाउंट वॉज डेबिटेड इन एक्सेस ऑफ ₹900। अब क्या हुआ देखिए कि श्याम अकाउंट जो है वो ₹900 से कम से डेबिट हो गया, ये कंपनसेट हो गई एरर, राम अकाउंट को हमने ₹900 से एक्सेस डेबिट कर दिया, तो इस तरह से ये एरर कंपनसेट हो गई और इस एरर को का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस विल एग्री, क्यों एग्री हो जाएगी, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगी ये एरर कब आइडेंटिफाई होगी। ये एरर तभी आइडेंटिफाई होगी जब श्याम या राम में से कोई एक जना आपके पास आएगा और बताएगा कि जी आपने मुझे सिर्फ से ₹100 ही डेबिट किए हैं ₹1000 की जगह, या आपने मुझे ₹1000 डेबिट कर दिए हैं ₹100 की जगह, तभी आइडेंटिफाई होगी। अदरवाइज क्योंकि इसका नेट इम्पैक्ट या नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो है, तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस हमारी रिकनसाइल हो जाएगी, एग्री हो जाएगी। इट मीन्स इसका डेबिट और क्रेडिट साइड एग्री कर जाएगा। और आगे चलते हैं। बिसाइड्स द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स दीज मे बी कैटेगराइज इन टू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ये कहता है कि ये दो और कैटेगरीज को आप मान के चलो, जो हमने ऊपर एरर्स इतनी सारी बताई हैं, चार कैटेगरीज बताई हैं, इनके अलावा दो और मान के चलो। एक है एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिन एरर्स से ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट करेगा यानी कि ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, तो वो कौन सी एरर्स होंगी, वन साइडेड एरर। दूसरा है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिससे ट्रायल बैलेंस में असर ही नहीं आएगा, ऐसी एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस में फ़र्क नहीं आएगा एंड ट्रायल बैलेंस विल एग्री, तो वो कौन सी एरर्स होंगी, दीज विल बी टू साइडेड एरर्स। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने हमारा कंप्यूटर प्रेजेंटेशंस ऑन टाइप्स ऑफ एरर, जिसको आप क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स भी कह सकते हो। इस चैप्टर्स में से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो सीए फाउंडेशंस के एग्ज़ाम में भी आते हैं और 11th और 12th के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और इसको लर्न करिए। एक दफ़े कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हमने अच्छे से समझा। आपको उम्मीद करता हूँ हमारा ये कंप्यूटर प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे, अगले 2-3 वीडियोस हमारे रहेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और मैं आई एम श्योर कि अगर आपने वो वीडियोस देखे तो आपको बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको इतने आसान तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा इसके। तो बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस को और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।